गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन, जिसमें यूनिट 4 है ओल्ड एज केयर, वृद्धावस्था की देखभाल। ओल्ड एज वृद्धावस्था में देखभाल किस तरह से हम केयर प्रोवाइड करें इसके बारे में। तो देखिए, वृद्धावस्था की देखभाल, यह अवस्था वृद्धावस्था जो है 60 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ही अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करता है। व्यक्ति जो है शरीर से और मन से दोनों ही तरफ से जो है अपने आप को कमजोर महसूस करता है। तो देखिए, वृद्धावस्था की प्रक्रिया में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। प्रोसेस ऑफ एज इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो देखिए, शारीरिक परिवर्तन फिजिकल चेंज इसमें है, फर्स्ट त्वचा तंत्र, एंटी ग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें त्वचा में चमक, त्वचा में लचक कम होना, झुर्रियां पड़ना, बाल पतले व सफ़ेद होना, नाक व कान में बाल अधिक होना, शुष्क होना। त्वचा में, व्यक्ति की त्वचा में जो है चेहरा फेस होता है, त्वचा होती है, उसमें लचक कम हो जाती है। चेहरे पर जो है शरीर की जो है त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं वृद्धावस्था में। उनके नाक कान में जो है बाल उगाते हैं, जैसे बाल अधिक हो जाते हैं और उनकी त्वचा जो है शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, हृदय एवं वाहिका तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। व्यक्ति का हृदय में रक्त संचरण कम होने लगता है, रक्त का जो है ब्लड का बहाव जो है कम होने लगता है। संचरण मीन्स बहाव पूरे शरीर में कम होने लगता है। रक्तचाप का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वाल्व की लचक, जो हृदय की जो वाल्व होती है उसकी लचक कम हो जाती है। सिर पैर, सिर से पैर में जो है गर्दन, सिर पैर एवं गर्दन में, हाथ में रक्त वाहिकाओं का उभर आना। रक्त वाहिका में रक्त जो नसें होती हैं शरीर, सिर, सर जो सर में, पैर में और गर्दन में, हाथ में, ये सब जो है नसें उभर आती हैं, दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट देखिए, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनकी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, फुफ्सों की क्षमता कम होना। ओल्ड एज में जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो है व्यक्तियों में जो है वृद्धावस्था में फुफ्सों मीन्स फेफड़ा, जो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। अप्रभावी गैस विनिमय, खांसी बढ़ना, उन्हें जो है खांसी आने लगती है, खांसी जो है बढ़ जाती है। श्वसन, सांस लेने में जो है तकलीफ होती है, सांस लेने में जो है संक्रमण हो जाता है, श्वसन तंत्र में जो है संक्रमण, जैसे नाक, कान, गला, इस सब में जो है संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रजनन व मूत्री तंत्र, जेंटियो यूरिनरी सिस्टम। वृक्कों की क्रियाओं का प्रभावित होना, मूत्राशय की शक्ति का कम होना, जैसे पेशाब करने की शक्ति जो है कम हो जाती है, धीरे धीरे रुक रुक कर होती है। पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, योनि स्राव कम होना, महिलाओं के प्रजनन अंगों का जो है सिकुड़ना, ये सब जो है इफेक्ट पड़ता है वृद्धावस्था में। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके जो है वृद्धावस्था में डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका जो है वृद्धावस्था में दांत जो है गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मुखी स्राव एवं अमाशी रसों का कम श्रवण होना, जो मुख से स्राव होते हैं, जो रसें निकलती हैं मुख में, जो है रस का क्या कहते हैं, अम्लीय रसों का स्राव होता है, उनका जो है श्रवण कम हो जाता है। कब्ज की शिकायत होती है, पेट में कब्ज की शिकायत होती है, उनकी पाचन शक्ति जो है कम हो जाती है, खाना जो है, भोजन जो है सही से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, ये सब जो है इफेक्ट पड़ता है ओल्ड एज में। नेक्स्ट है पेशी कंकाली, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। पेशी कंकालियों तंत्र पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे लंबाई कम होना,
व्यक्ति जो है लंबा होता है तो उसकी जो है लंबाई जो है घटने लगती है, मतलब उस शरीर जो है सिकुड़ने लगता है, कुबड़ापन हो जाता है, जोड़ों में उनके जो है जोड़ों में बॉडी के जो जोड़ हैं पार्ट हैं वहाँ जो है क्या कहते हैं सूजन हो जाती है, अस्थियाँ उनकी हड्डियाँ जो है कमजोर धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। नेक्स्ट देखिए अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्रेनिक सिस्टम अवटु ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होना, व्यक्ति सतर्कता कम होना, व्यक्ति को जो है सतर्कता कम अवटी ग्रंथि की क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है, व्यक्ति में जो है सतर्कता कम हो जाती है, सर्दी उसे जो है वृद्धावस्था में सर्दी अत्यधिक लगती है, उनके अग्नाशय में जो है इंसुलिन का जो है स्राव होता रहता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है तंत्रिका प्रणाली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम संवेदनशील कम होना, व्यक्ति जो है संवेदनशील कम समय उनके अंदर संवेदनशीलता कम हो जाती है, प्रक्रिया में समय लेना, जैसे कोई भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं वो धीरे धीरे करते हैं उनमें समय लगता है, सोने की आदतों में उनके सोने उठने बैठने में भी परिवर्तन हो जाता है, बार बार उन्हें जो है जग जाते हैं, नींद कम आती है, वृद्धावस्था में व्यक्ति को जो है नींद कम आती है, उनकी जो है सोने की आदतें जो है बिगड़ जाती हैं, ये सब जो है प्रॉब्लम होते हैं वृद्धावस्था में। नेक्स्ट है संवेदी तंत्र सेंसरी सिस्टम दृष्टि कमजोर होने से व्यक्ति वृद्धावस्था में बेसहारा होने लगते हैं, श्रवण शक्ति घटना, दूरदृष्टि की शिकायत, स्पर्श क्षमताएं प्रभावित होना, व्यक्ति की जो है वृद्धावस्था में दृष्टि देखने की क्षमता जो है कम हो जाती है, वह अपने आप को वृद्धावस्था में अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, उनके सुनने की शक्ति जो है घट जाती है, उन्हें दूरदृष्टि की शिकायत होती है, पास की वस्तुएं उन्हें जो है कम दिखाई देती हैं, स्पर्श क्षमताएं उनको छू कर स्पर्श करने की जो है क्षमताएँ जो है बताने की वो भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखिए शारीरिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति अपने वातावरण में पूर्ण दक्षता से काम नहीं कर पाता, व्यक्ति क्या है शारीरिक परिवर्तन के कारण व्यक्ति के शरीर में जो चेंजेज होते हैं उसके कारण वह जो है अपने वातावरण में सही से नहीं रह पाता, इसी प्रकार वह अपने कार्य को करने में व्यर्थ व अनुपयोगी महसूस करता है, जिसे व्यक्ति अपने को अनुपयोगी और व्यर्थ महसूस करता है, उन्हें जो है उनकी स्मृति भ्रम भी होने लगती है, उन्हें जो है स्मृति भ्रम जैसे दिखाई कम देने लगती है, और वृद्धावस्था में मूल व्यक्तित्व में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ये सब जो है परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट देखिए आवश्यकताएँ और समस्याएं नीड्स एंड प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद समायोजन करना पड़ता है, व्यक्ति अगर किसी भी कार्य में कोई भी कर्मचारी है या कार्य कर रहा है उसके बाद उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उनको जो है समायोजन करना पड़ता है, अपने खर्चों में उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं उनमें कटौती करनी पड़ती है, नई पीढ़ी के आदर्शों मूल्यों और जीवन शैलियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता, नई पीढ़ी की जो जनरेशन है उनके हिसाब से चलना पड़ता है, जिससे उनको जो है उनके उनके साथ तालमेल बैठाने में या सामंजस्य स्थापित करने में जो है कठिनाई महसूस होती है, व्यक्ति की इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करनी चाहिए, तो व्यक्ति को जो है अन्य लोगों को जो वृद्धावस्था में अपने घर के जो पीढ़ी के जो है बुजुर्ग हैं उन लोगों को जो है देखभाल करनी चाहिए, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। वृद्धों को स्वास्थ्य समस्याएं, वृद्ध को जो है क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, देखिए रक्तचाप का बढ़ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय विकार, हृदय संबंधित जो है विकार, हार्ट से संबंधित जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, दीर्घकालीन खांसी, उन्हें जो है बहुत
ही खांसी आती है, मतलब खांसी जो है शुरू हो जाती है वृद्धावस्था में उन्हें जो है, और वृद्धों को जो है खांसी अत्यधिक आती है, पैरों में सूजन, उनके पैरों में सूजन हो जाता है, मूत्रिकास में कठिनाई, पेशाब करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है, सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं का उपचार जो है ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इन सभी समस्याओं को जो है का उपचार समय समय पर करवाना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए, वृद्धों को जो है ओल्ड एज में जो है केयर करनी चाहिए। इन सभी समस्याओं का उपचार समय समय पर करना चाहिए और समय समय पर वृद्धों को जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाना चाहिए, ताकि जो है उनकी वृद्धावस्था जो है में अच्छे तरह से उनकी देखभाल हो सके, वृद्धों की जो है अच्छे अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए हमें।